नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर सोनिया और राहुल को जमानत दे दी। इस मामले में कांग्रेस नेता की तरफ से पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलें नहीं मानी, सभी को बिना शर्त जमानत दे दी। कांग्रेस का आरोप, नेशनल हेराल्ड केस के पीछे मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट। राहुल और सोनिया गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नियत पर पहले से ही शक था। मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। सोनिया राहुल को फंसाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी को तो इनाम के तौर पर मकान और जेड सिक्योरिटी भी दी गई। 200 फीट गहरे बोरवेल में फंसा बच्चा, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मुंडला गाँव में आयुष नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया। फिलहाल वो बेहोशी की हालत में है, लेकिन उसे बोरवेल के अंदर ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। यूएस जनरल में दावा, भारत कर्नाटक में बना रहा है न्यूक्लियर सिटी। यूएस फॉरेन पॉलिसी जर्नल में दावा किया गया है कि भारत की न्यूक्लियर सिटी 2017 में पूरी हो जाएगी। यहाँ थर्मो न्यूक्लियर हथियार बनाया जाएगा। यह इस सब कॉन्टिनेंट में एटमी हथियारों का सबसे बड़ा ठिकाना होगा। सीरिया में शांति का प्रस्ताव यूएन में मंजूर, आईएस पर हमले जारी रहेंगे। लगता है अब सीरिया में करीब 5 साल से जारी युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आम सहमति से शांति बहाली का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि आईएसआईएस पर जारी हवाई हमले नहीं रुकेंगे। दिलवाले की अच्छी तो बाजीराव मस्तानी की धीमी शुरुआत। फिल्म दिलवाले के पहले दिन का कलेक्शन करीब 21 से 22 करोड़ रुपए रहा। वहीं इसी दिन आई दूसरी फिल्म बाजीराव मस्तानी की ओपनिंग 11 से 12 करोड़ रुपए रही। इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।